हाय, दिस इज़ मेघा चक्रवर्ती, मतलब आप सबकी इमली। और आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ऑल माय फर्स्ट का सेगमेंट करूंगी। फर्स्ट पे चेक मतलब लाइक फर्स्ट अर्निंग ना, राइट? तो आई थिंक मैं जब मैं 11th में थी तो मैंने एक छोटी बच्ची को पढ़ाती थी घर पे, तो आई थिंक दैट वन आई थिंक 500 रुपीज़ पर मंथ ऐसा कुछ। तो पहली बार जब मिला था आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड लाइक क्या खाना है, मैं तो हमेशा खाने के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैं उसके साथ आई थिंक उसको लेके कुछ तो अच्छा कुछ चाइनीज़ वाइनीज़ खाया होगा। फर्स्ट जॉब, हाँ दैट वन ओनली फर्स्ट जॉब मेरा, कि मैं किसी बच्ची को पढ़ा रही थी मैथ्स, और वही मेरा फर्स्ट जॉब था। और बहुत टीचर टीचर वाली फीलिंग आ रही थी उस टाइम। तो या फर्स्ट ऑडिशन, हाँ मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, मैं एक बंगाली शो के लिए फर्स्ट ऑडिशन दिया था, काइंड ऑफ अ क्राइम पेट्रोल टाइप का शो था। और उसके फर्स्ट ऑडिशन में मैं जब गई थी और मैंने दोस्त ने बोला कि ये फ्री है चली जा टाइप, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ठीक है चाहती हूँ। और मैं ऑडिशन देने गई थी और मुझे याद है मैं इतनी नर्वस थी कि सब लोग जो बैठे रहते ना रूम में एक एक करके जाते, मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और मैं लाइक मुझे जैसे ही बुलाते थे मैं बोलती थी नहीं मैं बाद में, और मैं सबको भेजती मैं जा ही नहीं रही थी। और एकदम एंड में मैं गई थी, बट मे बी आई वॉज लकी मुझे वो रोल मिल गया था, बट मैंने बहुत ख़राब किया था। फर्स्ट शो वो तो एपिसोडिक था, अगर प्रॉपर शो की बात करो तो एक मैंने बंगाली शो किया था स्टार जोलशा का, जिसका नाम था जोतो हाशी तोतो रान्ना, मतलब जितना हंसोगे उतना खाना बनोगे। एक्चुअली इट वाज अ कुकरी शो कम एक फैमिली शो, बहुत कॉमेडी टाइप का था, बहुत अच्छा शो था। तो वो मेरा फर्स्ट शो था। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट इतना याद रखना, आई डोंट रिमेंबर, मे बी आई थिंक मेरे घर वालों से ही आई एम श्योर मिला होगा मेरा मुझे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे वो पहले शो में। एक्चुअली एक्टिंग के लिए अगर बोलो, बिकॉज मैं उसके पहले ना डांस करती थी, तो डांस के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं बचपन से ही, बट फॉर दैट शो मुझे आई थिंक घर वालों से ही मिला था, या मुझे कॉम्प्लीमेंट तो याद नहीं है। बचपन की जिगरी दोस्त मेरी जो स्कूल फ्रेंड है रिया, और एक्चुअली बहुत सारे हैं मेरे जो बचपन के स्कूल फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि स्कूल फ्रेंड्स ही है जो एंड तक रहते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इधर उधर यू नो हो जाते। तो मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का नाम लेना चाहूँगी जो मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, और मेरा एकदम गर्ल्स स्कूल है बट हम लोग ऐसे ब्रो गैंग हैं। तो रिया, आत्रिया, आत्रेय, रिंकी, नीपा और अनिंदिता, या ये सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा एक ग्रुप है, हम वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। फर्स्ट लव लेटर, हाँ मैं ट्यूशन, आई वाज इन 12th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो उसमें मैं एक ट्यूशन भी जाती थी, बिकॉज मेरा गर्ल्स स्कूल था तो लड़का तो था नहीं। तो ट्यूशन क्लासेस में एक लड़का था जो मुझे बहुत पसंद करता था, तो उसका लव लेटर जो मैंने छुपा के रखा था और मैं पकड़ी भी गई थी और मार पड़ी थी मुझे। फर्स्ट गिफ्ट माई सेल्फ, आई गेस फ़ोन, मैंने अपने आप नहीं, उसके पहले आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो दिया होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगर कुछ ऐसे बड़ा गिफ्ट बोलो तो आई थिंक मैंने अपने आप को फ़ोन गिफ्ट किया था, iPhone 7 जब लॉन्च हुआ था उस टाइम, जो कि मेरे लिए बहुत, उस टाइम लाइक 70,000 का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। अदरवाइज छोटी मोटी तो शायद देती होंगी अपने आप को। फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मैं 2013 में मलेशिया गई थी, एक फिल्म कर रही थी मैं उस टाइम, बंगाली फिल्म, तो वो मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, और मतलब फॉरेन वहाँ पे लैंड करते ही एकदम जब मैंने अपना फ़ोन का टाइम देखा तो वो टाइम अपने आप चेंज हो जाता है, तो मेरे लिए था अरे अच्छा यहाँ पे इतना टाइम बचता है। तो मतलब एक एक चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वहाँ का खाना, घूमना फिरना, शूटिंग करते करते लोगों को देखना, सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब एक नयापन था जब फर्स्ट बार गई थी। फर्स्ट मोबाइल मेरा था मोटोरोला का सेट था, मोटोरोला का एक छोटा सा फ़ोन था, कलर्ड था, ब्लैक एंड वाइट नहीं बट वो कलर्ड था, लेकिन उसमें कैमरा नहीं था एकदम। तब मैं थी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम ही दिया था जस्ट, मैंने मम्मी ने मुझे दिया था, तो वो वाला मुझे मॉडल नंबर याद है, बट इतना छोटू सा था और उसमें ना स्टिकर्स थे उस टाइम, स्टिकर्स कुछ तो ऐसा जिप्सा जो सेंड कर सकते थे एक दूसरे को, तो हाँ वही वाला। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आ गई, कभी ऐसे रिफ़्रेश हो गए। आज ही मैं अपने दोस्तों को फिर से मैसेज करूँगी, तुम लोगों का नाम लिया ये सेगमेंट देखना, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।